उत्तरी इसराइल पर लेबनान का हिजबुल्ला एक काला साया बनकर छाया हुआ है जो छटने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीधी जंग की आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। इजरायली सेना की लाख कोशिशों के बावजूद हिजबुल्ला के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि वो अब दोगुनी ताकत से और ज्यादा इसराइल पर हमले कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 29 जुलाई 2024 को उत्तरी इसराइल के किरियत शमोना की तरफ अल बगदादी मिलिट्री साइट पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला ने यहां पर आईडीएफ के ठिकानों पर ग्रेट टाइप रॉकेटों से ताबड़तोड़ हमले किए। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने दोपहर होते होते अल राहिब सैन्य चौकी पर भी इजरायली सैनिकों पर जबरदस्त अटैक कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमला किया है और यह हमला आईडीएफ के चाकरा में किए गए हवाई हमले के जवाब में किया गया। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि इस हमले के तकरीबन 5 मिनट बाद यानी 3:20 पर अल मलिकिया मिलिट्री साइट पर इसराइल के जासूसी उपकरणों को उड़ा दिया गया। इस जासूसी उपकरण को आईडीएफ ने हाल ही में तैनात किया था और इसके अलावा अल करंथिया हिल पर भी आईडीएफ के सैन्य उपकरणों पर हमला किया गया है। और इन हमलों के बीच गौर करने वाली बात यह है कि इसी दिन हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ के मेरकावा टैंक को भी अल राहिब मिलिट्री साइट पर निशाना बनाया था। हिजबुल्ला के मुताबिक शाम करीब 4:30 पर इस टैंक पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की गई थी और ये मिसाइल सीधी इस टैंक पर जाकर लगी थी। और इस टैंक पर हमला करने के बाद हिजबुल्ला ने एक साथ 3 और हमले किए जिसमें अल आबाद मिलिट्री साइट पर कई जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले के कुछ ही मिनटों बाद हदाब यारीन मिलिट्री साइट पर तैनात जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया गया। और इसके बाद जब शाम करीब 6:30 पर इजरायली सैनिक अल राहिब मिलिट्री साइट के पास इकट्ठा हो रहे थे तब उनके ऊपर सीधा हमला किया गया जिसमें आईडीएफ को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है।